सोनी टीवी के शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के कपल रह चुके। जी हाँ, ऑन स्क्रीन कपल रह चुके शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। शाहिर और एरिका का नाम अभी भी सुर्खियों में रहता है। शो भले ही खत्म हो गया हो काफी पहले, लेकिन आज भी शाहिर और एरिका को लेकर खबरें सामने आती ही रहती हैं। जी हाँ, खबरें तो ये भी सामने आई हैं कि शाहिर शेख एरिका के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। दोनों की डेटिंग की खबरें भी कई बार चर्चाओं में बनी रही, जिस पर एरिका और शाहिर ने कई बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कई सारे इंटरव्यूज में ये साफ साफ बताया कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। दे वर फ्रेंड्स एंड दे आर फ्रेंड्स। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर अब ये खबर सामने आ रही है कि एरिका फर्नांडिस ने शाहिर शेख को अनफॉलो कर दिया इंस्टा से। जी हाँ, जिस पर एरिका ने हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनफॉलो और फॉलो करने का आखिर पीछे का मांजरा क्या है। सो एज पर द सोर्सेज, आप सभी को बता दें कि एरिका ने इस पर यह कहा है, आई हैवन्ट बीन फॉलोइंग शाहिर ऑन सोशल मीडिया फॉर ओवर 2 ईयर्स। एरिका ने यह साफ साफ बताया है कि वो शाहिर को 2 साल से सोशल मीडिया पर फॉलो ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अब अनफॉलो कर दें इंस्टा पर? इससे साफ जाहिर होता है कि बिना बात की बात को आगे बढ़ाना कुछ भी नहीं सही है। ये सब एक नॉनसेंस बातें हैं जो कि खुद एरिका ने कहा है कि विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट एनी बिल्कुल करेक्ट स्टोरी के आप कोई भी स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं खुद से। उसी के कॉन्ट्रैक्ट में शाहिर शेख ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी खबर कई बार सामने आई है, लेकिन हम दोस्त थे और दोस्त हैं, हम एक दूसरे को अभी डेट नहीं कर रहे थे। ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, जैसा था वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी खबरें ये भी सामने आई थी कि एरिका और पार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, कसौटी में एरिका और पार्थ समथान एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी खास है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ये खबर सामने आती ही रहती है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एरिका ने अपने इंटरव्यूज में कई बार बताया है कि पार्थ तो वो एक अच्छे दोस्त हैं, दोनों काफ़ी स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ को आर्टिस्ट एक साथ काम करना काफ़ी अच्छी बात होती है और ये वहीं तक रहता है। इससे ज़्यादा कुछ होता है तो फैंस के लिए अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिस पर एरिका ने साफ साफ अपनी बातों को रखना अच्छे से जानती हैं और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो कब से शाहिर को अनफॉलो या फॉलो नहीं कर रही थी।